Good morning, students. I am the teacher of Foundation Modern School of Class Four. Today, I will be teaching you science. My last class, I read the chapter Four Clothes. Now, I will start the next paragraph. Special dresses. Some people wear special clothes for their specific work. पीपल्स जो होते हैं स्पेशल क्लोथ्स यूज करते हैं वेयर करते हैं अपने स्पेशल वर्क जो अपना काम कर रहे हैं उसके लिए सोल्जर्स वेयर यूनिफॉर्म विच आर मेड फॉर ए वेरी ऑफ ए वेरी टफ़ एंड ड्यूरेबल मटेरियल्स सोल्जर्स जो है वो यूनिफॉर्म वेयर करते हैं उनका जो यूनिफॉर्म बना हुआ होता है वो वेरी टफ़ होता है ठीक है और वो मतलब क्या है बहुत ही हार्ड मटेरियल हार से वो बना हुआ होता है ए डॉक्टर्स वेयर वाइट कोट डॉक्टर जो है वो वाइट कोट्स पहनते हैं ए नर्स वेयर ए वाइट ट्यूनिक, नर्स जो है वो वाइट कलर्स का ड्रेस पहनती है ठीक है फैक्ट्री वर्कर्स वेयर यूनिफॉर्म ऑफ ए स्पेसिफिक कलर ऑन और एंड ओवरऑल ठीक है जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं वो यूनिफॉर्म्स वेयर करते हैं कोई स्पेसिफिक कलर का होता है और पूरा ही होता है वो वाई कुकिंग वेयर एप्रॉन्स टू प्रोटेक्ट आवर क्लोथ फ्राम गेटिंग डर्टी और कुकिंग करते वक्त जब हम लोग कुकिंग करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं अप्रॉन्स वेयर करते हैं जो हम लोग क्या करता है प्रोटेक्ट करता है हम लोग के क्लोथ्स को डर्टी होने से ठीक है स्कूल चिल्ड्रेंस वेयर यूनिफॉर्म स्पेसिफाइड बाय देयर स्कूल स्कूल्स के जो चिल्ड्रेंस होते हैं वो यूनिफॉर्म वेयर करते हैं उन लोगों के स्कूल्स में जो जैसा यूनिफॉर्म्स रहता है केयर ऑफ क्लोथ्स वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स टू रिमैंड हेल्दी हम लोग क्या होता है क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं हेल्दी रहने के लिए क्लोथ्स मस्ट बी वाश्ड विथ डिटर्जेंट और शॉप टू रिमूव स्वीट डस्ट डर्टी जर्म डट एंड जर्म्स क्या है क्लोथ्स जो होता है उसको वॉश करना चाहिए डिटर डिटर्जेंट से या फिर शॉप से उससे क्या होता है जो स्वीट्स होता है डस्ट होता है या डर्ट होता है या जर्म्स होता है वो रिमूव्स हो जाता है वॉश करने से सम क्लोथ सच एज टावेल्स एंड एपरस नीड टू बी वाश्ड इन वार्म वाटर टू रिमूव ऑयल एंड अदर स्टिकी सब्सटेंस कुछ क्लोथ जैसे टॉबल या एपरस ये क्या है वॉश करने की जरूरत होती है वार्म वाटर से इसे जरूरी है वॉश करना क्योंकि इसमें जो ऑय्स होता है और स्टिकी जो सब्सिडेंस होते हैं ये इसे वार्म वाटर से और वॉश करने से वो रिमूव होते हैं क्लोथ्स ऑफ ए patient मस्ट बी वॉश्ड विथ वार्म वाटर डिटर्जेंट एंड antiseptic to टू फ्री इट germs जर्म्स dirt. एंड जो पेशेंट का जो क्लोथ्स होता है उसे वॉश करना चाहिए वार्म वाटर से डिटर्जेंट और एंटीसेप्टिक से उससे क्या होता है वो फ्री होता है जर्म फ्री होता है और डर्ट फ्री होता है ठीक है ओलन क्लोथ्स are आर वॉश्ड इन सॉफ्ट जेंटल शॉप डेलीकेट वोलन एंड सिलीक क्लोथ्स शुड बी ड्राई क्लिन ओलन क्लोथ्स को क्या होता है सॉफ्ट जैनिकॉप्ट वॉश करना चाहिए डिलीकेट ओलन एंड सिल्क क्लोथ्स जो होते हैं सिलकन क्लोथ्स जो होते हैं उसे क्या करना चाहिए ड्राई क्लिन करना चाहिए क्लोथ्स आफ्टर वॉशिंग और ड्राई क्लिनिंग मस्ट बी किप इन द कपबोर्ड एलॉन्ग विथ शम ड्राई नीम लिव्स और मॉथबल्स दिस कीप्स इंसेक्ट्स वे ओके जो ड्राइक्लिन करने से पहले ड्राइक्लिंग करने के बाद क्लोथ्स को क्या करना चाहिए कप बोर्ड में किसके साथ रखना चाहिए कुछ नीम्स के लिप्स होते हैं या और मॉसपोल्स होते हैं उसके साथ इससे क्या होता है जो उसमें इंसेक्ट्स जो है वो नहीं आएंगे ठीक है नहीं लगेंगे सो स्टूडेंट्स लेटर्स रिमेंबर हम लोग क्या रिमेंबर रखेंगे सबसे पहले देखते हैं कि मॉथ क्या है जो यहाँ पर बोले मॉथ ये क्या है ये एक इंस, ए, इंसेक्ट साइट्स होते हैं दे गिव ऑफ ए टॉसिक गैसेस दैट किल्स मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स ये इसमें ये एक तरह का गैसेस इसमें एक अलग तरह का गैसेस होता है ठीक है निकलता है इससे और इससे क्या होते हैं इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उनका किल्स हो जाता है वो मर जाते हैं नाउ लेट us remember, clothes protects our body from heat, cauldron, dust, and insects. Clothes are used according to the seasons. Two types of material are used to make clothes, natural fiber and synthetic fiber. Shari is the national dress of Indian women. In Japan, wear, women wear kimono, which is their national dress. Clothes must be washed with soap, detergent, etc., to remove dust, dirt, and germs. We must use dry names or mouthballs to protect wool, woolen and silicon clothes from insects. So, students, you remember this? Today class is over. The next class will be tomorrow and i especially request to the parents please subscribe our youtube channels and likes our videos thank you